नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज है हिंदी की कक्षा और हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी का पाठ नंबर 3, समझदार अजय। इस अध्याय में ये बताया गया है किन चीजों को हम अपनी जिंदगी में अपनाकर अजय की तरह ही समझदार बन सकते हैं। तो पहले देखते हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हैं, उनको समझें। पहली पिक्चर में देखिए, जो अजय है सुबह उठकर बाग में जाकर कसरत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जिससे कि वह ताकतवर बन जाएगा, स्ट्रांग और हेल्दी बन जाएगा। उसके बाद वह घर आकर अपने नहाने की तैयारी करता है, जिसके लिए वह टब में नल चलाकर पानी भरता है और उसके बाद नहाते हुए अपने अंगों को साफ करता है। उसके बाद नहाने के बाद वह भगवान का भजन करता है, अखबार पढ़ता है और ये देखिए गाजर का गरम हलवा खा रहा है और पाठशाला जा रहा है, पाठशाला यानी कि स्कूल जा रहा है। तो चलिए अब इस चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। पाठ 3, समझदार अजय। उजाला छा गया, अजय उठकर उपवन गया। उजाला छा गया मतलब सुबह हो गई, सूरज आ गया और अजय उठकर उपवन गया मतलब बगीचे में गया। कसरत कर ताकतवर बना, कसरत करके वह ताकतवर बना, एक्सरसाइज करके स्ट्रांग बना। अब झटपट घर आया और फिर जल्दी जल्दी घर आ गया। माता का कहना माना, उसने अपनी माँ का कहना माना। क्या आप भी अपनी माँ का कहना मानते हैं? हम सबको अपनी माँ का कहना मानना चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं। तब लाया नल चलाया, जल भरा। उसने एक टब लेकर आया, उसमें नल चलाया और पानी भरा, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट शॉवर से नहाने से पानी की खपत बढ़ जाती है और पानी बहुत वेस्ट होता है, इसलिए हमेशा टब या बाल्टी में पानी भरकर ही नहाना चाहिए। हाथ नाक कान बाल साफ करना समझदार बना, उसने अपने शरीर के अंगों को साफ किया, जैसे कि हाथ नाक कान बाल, और ऐसा करने से वह समझदार बना। अब भगवान का भजन कर अखबार पढ़ा। आप भी क्या अखबार पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो आप भी अपनी रूटीन में कुछ कुछ अखबार के हिस्सों को पढ़ना शुरू करें। तो इसी तरह अजय भी नहाकर भगवान का भजन करके अखबार पढ़ा। गाजर का गरम हलवा खाया। फिर उसने नाश्ते में क्या खाया? गाजर का गर्मा गर्म हलवा। तो किस किस को पसंद है गजरेला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पाठशाला जाकर पाठ पढ़ा। उसके बाद वो रेडी होकर स्कूल चला जाता है, जहाँ पर वह अपने पाठ को पढ़ेगा। तो ये था हमारा अध्याय समझदार अजय। अब हम इसके बैक एक्सरसाइज को करेंगे। तो निकालेंगे पन्ना नंबर 5। अभ्यास, मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक का मतलब है ये जो प्रश्न उत्तर है ये सिर्फ आपने ऑरली करने हैं, अपनी कॉपी में नहीं लिखने, ठीक है बच्चों? तो पहला प्रश्न मैं पूछने जा रही हूँ, अजय उठकर कहाँ गया? उपवन। हाँ जी, अजय उठकर उपवन गया। नेक्स्ट, कसरत करके अजय कैसा बना? ताकतवर बना। हाँ जी, कसरत करके अजय ताकतवर बना। नेक्स्ट, अजय ने किसका भजन किया? भगवान का भजन किया। वेरी गुड, अजय ने भगवान का भजन किया। नेक्स्ट, अजय क्या क्या साफ करके समझदार बना? हाथ नाक कान बाल साफ करके समझदार बना। वेरी गुड, तो अजय ने अपने शरीर के किन अंगों को साफ किया था? हाथ नाक कान बाल साफ करके अजय समझदार बना। नेक्स्ट, पाठ के आधार पर ठीक शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों पहला है डैश छा गया, क्या छा गया था? उजाला के रात, उजाला छा गया। डैश का कहना माना, किसका कहना माना? माता का कहना माना। नेक्स्ट, गाजर का गरम डैश खाया, गाजर का गरम हलवा खाया। डैश जाकर पाठ पढ़ा, कहाँ जाकर पाठ पढ़ा था उसने? घर या पाठशाला? पाठशाला, पाठशाला जाकर पाठ पढ़ा। ये तो बहुत ही इजी है ना, ये आप झट से कर सकते हैं अगर आपने अध्याय समझ लिया है। आगे है, पाठ में शरीर के जिन अंगों के नाम आए हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो समझदार अजय ने क्या क्या अंगों को साफ किया था, अब हम उनका नाम लिख देंगे। हाथ कान नाक बाल, दोबारा बोलिए, हाथ कान नाक बाल। आगे है आ मात्रा के और नए शब्द। तो अब आप मेरे साथ बोलेंगे आ मात्रा के कुछ शब्द। ताकत
ताकत, अखबार अखबार, समझदार समझदार, सहायता सहायता, ताजमहल ताजमहल, उपहार उपहार, भगवान भगवान, पाठशाला पाठशाला, बादशाह बादशाह, गाजर गाजर, बादाम बादाम, हलवा हलवा, सफलता। एक बार फिर से पढ़ेंगे। ताकत ताकत, अखबार, समझदार, सहायता, ताजमहल ताजमहल, उपहार, भगवान, पाठशाला, बादशाह, गाजर, बादाम, हलवा, ता सफलता सफलता।